मॉर्निंग दिस इज डॉक्टर चेतना गुप्ता पसीने एंड अवर टुडेज टॉपिक इज मैपिंग ऑफ बैक्टीरिया फेस जिनोम तो सबसे पहले फेस का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है साइड में एक हेड होता है जो कैप्स का बना होता है टेल रीजन होता है जो कि कॉन्ट्रेक्टर सीत का बना होता है टेल फाइबर्स होते हैं और नीचे सपोर्ट के लिए एंकर के लिए बेस प्लेट पाया जाता है कंपोजिशन जब आप देखते हैं तो फेस बना होता है न्यूक्लिक एसिड से इस न्यूक्लिक एसिड में मॉडिफाइड बेसिक फेंसेस प्रेजेंट होते हैं और हर बेसिक फेंसेज का जीनोम साइज होता है वो अलग होता है प्रोटीन प्रजेंट होता है प्रोटीन प्रोटेक्शन एंड इन्फेक्शन के लिए पाया जाता है प्रोटेक्शन फेस का किसी भी एनिमी से एंड इन्फेक्शन जब फेज होस्ट सेल

को होल सेल में इन्फेक्ट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो फेज लाइटिक और वायरुलेंट नाम से समझ में आ रहा है वायरुलेंट मतलब ऐसा फेज़ होगा जो कि होस्ट सेल को डैमेज करेगा फेज दैट मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट सेल्स ऐसे फेज जो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस करते हैं लाइज द सेल सेल का लाइसिस कर देते हैं एंड रिलीज प्रोजैनी फेज और वहाँ पर अपने प्रोजैनी को मल्टीप्लीकेशन के बाद बने हुए नए फेजेस या बैक्टीरिया फेजेस को वो होस्ट सेल के अंदर क्या कर देंगे रिलीज कर देंगे जिसका एग्जाम्पल है टी फोर और समय आने पर वो होस्ट सेल के बाहर भी आ सकते हैं फिर सेकेंड है आपका लाइसोजेनिक और टेम्परेट फेज फेज दैट कैन इधर मल्टीप्लाई वाई द लाइटिक साइकिल और एंटर अ क्वेशन इन द बैक्टीरियल सेल ऐसे फेस जो कि क्या करेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर लाइटिक साइकिल जो अपन ऊपर पड़े उसके द्वारा मल्टीप्लीकेशन करेंगे या फिर वो होस्ट सेल के अंदर ही क्वेसन टस्टेस क्वेशन टिस्टेस का मतलब होता है काइंड ऑफ डॉर्मेंसी या रेस्टिंग पीरियड में वो पड़े होते हैं और जब उनको आ, ये लगेगा कि कंडीशन सूटेबल है उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए तभी वो मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है इसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट फेस जींस रिप्रेस्ड इस कंडीशन में जो आ, फिन फेज बैक्टीरियो फेजेस होते हैं उनमें से मोस्टली बैक्टीरियो फेजेस का जो जीन एक्सप्रेशन में रोल होता है वो क्या हो जाता है रिप्रेस्ड हो जाता है और वो प्रोफेज स्टेज में ही होते हैं या लाइसोजेनिक मतलब कि वो क्विसेंट फेज में ही होते हैं इसके बाद बैक्टीरियो फेज हैव अ रेंज ऑफ मार्फोलॉजि फॉम सिंपल फिलामेंट्स टू लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियो फेज होते हैं वो एक सिंपल फाइन स्ट्रक्चर एक फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है यहाँ पे देखो बहुत सारे चार पांच टाइप के फेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है में कंटेन इधर आरएनए और डीएनए एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन कौन या तो आर एन ए या डी एन ए दोनों में से कोई भी एक कंटेन कर सकते हैं जो कि प्रोटीन कोट के साथ में एसोसिएटेड रहता है ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया हैव फेस एसोसिएटेड विद डैम मोस्टली सारे बैक्टीरियाज में फेस प्रेजेंट होते हैं ये बात अलग है किसी में वो एक्टिव फॉर्म में होंगे और किसी में वो क्विसेंट फेस में होंगे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लेंगे फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और फिलहाल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी न्यूआई फेस टी थ्री डी सेवन एम यू लैमडा फेज एंड टी टू एंड टी फोर फेज का ट्रांसफर द न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल अब ये जो फेज है अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में ट्रांसफर कैसे करेंगे अटैच टू स्पेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ देयर होस्ट बैक्टीरिया होस्ट बैक्टीरिया के सर्फेस में प्रेजेंट जो भी रिसेप्टर्स होंगे उससे जाके ये जो बैक्टीरियल फेस है फेस का जो टेल वाला रीज़न है वो जाकर वहाँ पर स्टिक हो जाता है अटैच हो जाता है और उसके बाद में इन्फेक्शन कॉज करता है ये लाइफ साइकिल ऑफ लैमडा फेस आप देख लेंगे लाइटिक साइकिल के बारे में सबसे पहले देखेंगे और उसके जस्ट नीचे लाइसोजेनिक साइकिल दी है जब फेस क्वेश्सेंटस्टेज में होते हैं तो लाइटिक साइकिल में सबसे पहले देख लो एक है बैक्टीरियल ब्रेक डाउन ऑफ होस्टक्रोमोसोम और दूसरा है आपका लैमडा फेस क्रोमोसोम जिसमें रेप्लीकेशन की प्रोसेस हो रही है नेक्स्ट स्टेप में रेप्लीकेशन कंप्लीट होता है पिंक वाला जो है वो बैक्टीरियो फेज स्ट्रक्चर है इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो फेज़ होते हैं वो आ, फेस पुजाने के साथ में आप फैम्बलीस को करते हैं नेक्स्ट स्टेप में वेल डेवलप्ड फेस जो होते हैं वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो लाइटिक रिस्पॉन्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है फेस का डी है और होस्ट डी आपको कंप्लीट सर्क्यूलर होस्ट डी दिख रहा है जैसे ही फेस का इन्फेक्शन होता है नेक्स्ट स्टेप में होस्ट डी का ब्रेकडाउन होता है उसके बाद में जो लैमडा क्रोमोसोम है फेस का जो क्रोमोसोम है उसमें रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसके बाद में मल्टीप्ली के बाद में ये असेंबल हो जाते हैं असेंबल होने के बाद होस्टल से रिलीज हो जाते हैं इस तरह लाइटिक साइकिल कंप्लीट होती है अब लाइसोजेनिक साइकिल अगर हम देखें तो क्या होता है लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट डीएनए होस डी एन ए के बाद में जैसे ही फेज यहाँ पर एंटर करता है नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये बताया लाइसोजेनिक रिस्पॉन्स में कि फेज में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होता वो क्विशेंट स्टेज में पड़ा होता है होस्ट के डी के पास सच जाकर फिर नेक्स्ट स्टेप में होस्ट डी का मल्टीपल डिविजन होता है डिविजन के बाद में अगेन यहाँ पे क्या होता है लाइटिक साइकिल का इंडक्शन होता है और लाइटिक साइकिल का इंडक्शन होने के बाद फिर से मतलब जैसे ही आ, फेस को लगेगा कि आप कंडीशन सुटेबल है और अब उसको मल्टीप्लीकेशन करना है फिर वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा और यहाँ पे ये जन जनलाइज ट्रांसजेक्शन दिया हुआ है ई कोलाई का फेज़ वन के द्वारा तो ये वाला चार्ट आप पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूरी दी हुई है जो ऊपर हुआ है वही चीज़ यहाँ पर हुआ है इसके बारे ट्रांजेक्शन मैपिंग इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग जीन ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट इसमें भी जीन ऑर्डर जैसे ट्रांजेक्शन ट्रांसफॉमेशन दोनों में ही जीन ऑर्डर जो होता है उसका निर्धारण जो होता है रिकॉम्बिनेंट्स के बनने की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है इफ़ रिकॉम्बिनेशन रेट इज़ हाई जीन्स आर क्लोज टुगेदर यदि रिकॉम्बिनेशन का रेट हाई होगा तो बनने वाले जो जीन्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे इफ़ रिकॉम्बिनेशन रेयर इज रेट इज लो यदि रिकॉम्बिनेशन का रेट लो होगा तो जीन्स आर फार अपार्ट तो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होंगे मैपिंग जींस ऑफ फेज इनफैक्ट बैक्टीरिया विथ फेज़स ऑफ इनफैक्ट बैक्टीरिया विद फेजेस ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स यूजिंग टू थ्री और फोर जीन्स क्रॉस क्रॉस ओवर इसमें क्या होता है जीन मैपिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है जो बैक्टीरिया एंड फेज होते हैं उनके जीनोटाइप के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है एक साइड टू थ्री या फोर जीन्स एक साथ क्रॉसिंग ओवर हो कर सकते हैं काउंट रिकॉम्बिनेंट फेज फिनोटाइप डिटरमाइनिंग डिफ्रेंसेस इन क्लियर एरियाज अब जहाँ पर जब आप ये प्रैक्टिकली ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो जो बैक्टीरियल लॉन होता है जो प्लेट होता है हमको वहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी कहाँ कहाँ पर मिली है उसका आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं एंड और भी बहुत सारी स्टडी माइक्रोस्कोपिक सबसे बेसिक स्टडी है करते हैं तो आपको क्या होता है न्यू रिकॉमिनेशन दिखाई देंगे और जहाँ पर आपको विजिबल दिखेगा कि जहाँ पर बैक्टीरियल लॉन्न में ग्रोथ दिख रहा है वहाँ पर ऑयली आपको सरफेस दिखेगा और जहाँ पर नहीं है वो ब्लैंक दिखेगा <coughs> इसके बाद में डिफरेंट फेस जीन्स इंड्यूसर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियरिंग जो अलग अलग फेस जीन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्या करते हैं आपको कॉलोनी दिखाई देती है वहाँ पर इसमें दिया है कहीं पे स्मॉल कॉलोनी होगी कहीं पे लार्ज कॉलोनी होगी तो कहीं पे थोड़ा फजीसा होगा कहीं पे क्या होंगे बॉर्डर्स में स्थित होंगे अब यहाँ पे डायग्राम से आप समझ लीजिए को बैक्टीरिया विद द टू टू पेरेंटल फेजेस बैक्टीरियल लॉन में हम दो फेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन है एक पिंक है मतलब एक एच पॉजिटिव आर स्ट्रेन एंड एच आर पॉजिटिव स्ट्रेन दोनों से आप बैक्टीरियल या होस्ट को आप क्या करा रहे हैं इन्फेक्ट करा रहे हैं रेप्लीकेशन ऑफ फेस क्रोमोसोम इन सेल फेस क्रोमोसोम का रेप्लीकेशन बैक्टीरियल सेल के अंदर करा रहे हैं रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सम पेरेंटल क्रोमोसोम पेरेंटल क्रोमोसोम के साथ में ये जो फेज है वो जाकर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के थ्रू न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन करेगा फेज असेंबली बैक्टीरियल लाइसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोजेनिक फेज अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये जो फेज है वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएंगे लाइटिक साइकिल में एंटर करने के बाद जो होस्ट क्रोमोसोम है उसको डैमेज करेंगे उसके साथ में जाकर असेंबल हो जाएंगे और जैसे ये डेवलप्ड हो जाएंगे ये होस्ट सेल से क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे इसके बाद में है फाइन स्ट्रक्चर जीन मैपिंग ऑफ बैक्टीरियो फेज इसके मन में सम प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनिक मैपिंग आल्सो कैन बी यूज टू मैप म्यूटेशन साइट्स विद द सेम जीन इंट्राजेनिक मैपिंग इंटरजेनिक एंड इंट्राजेनिक मैपिंग क्या होता है दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जब जीन्स में डिफरेंसेस होता है तो उसमें हम इंटरजेनिक मैपिंग कहते हैं और दो डिफरेंट बैक्टीरियाज के दो डिफरेंट बैक्टीरियाज के सेल में जब हम जीन मैपिंग की स्टडी करते हैं तो उसे इंट्राजेनिक मैपिंग हम कहते हैं इंटरजेनिक मैपिंग हो या इंट्राजेनिक मैपिंग हो दोनों में ही म्यूटेशन के कारण न्यू जिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो इसमें हम जिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जिन मैपिंग का स्टडी करते हैं फर्स्ट एविडेंस दैट द जीन इज सब केम फ्रॉम सी सीपी पी ऑलिवर्स नाइनटीन फोर्टी वर्क ऑन ड्रॉसोफीला जो फर्स्ट एविडेंस था जीन मैपिंग का उसको सीपी पी ने ड्रॉसोफीला में 1940 में स्टडी किए ये आपको इसका डिटेल नहीं पढ़ना है अपने को सेमोर बेंजर्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना है सेमोर बेंजर्स 1950 फिफ्टी टू सिक्स स्टडीज ऑफ द आर टू रीजन ऑफ बैक्टीरियो फेज टी फोर सेमोर बेंजर्स ने क्या किया था टी फोर बैक्टीरियो फेज के आर टू रीजन में होने वाले म्यूटेशन और उसके द्वारा होने वाले जीन फाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस एंड कैरेक्टर्स सिक्स के बेसिस पे उसकी मैपिंग का स्टडी उन्होंने किया था इन्होंने दो तरह से मैपिंग किया था एक था फाइन स्ट्रक्चर मैपिंग एंड दूसरा था मैपिंग ठीक है तो अभी अपन सबसे पहले जीन मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे बेंजर्स स्टडी ऑफ द आर टू रीजन ऑफ टी फोर स्टडी सिक्सटी इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड आर टू म्यूटेंट्स क्रॉस इन ऑल पॉसिबल कॉम्बी इन्होंने क्या किया था आर टू म्यूटेंट्स के सिक्सटी आइसोलेटेड के आइसोलेट्स uh, के स्टडी की थी जिसमें उन्होंने जितने भी ऑल पॉसिबल्स uh, जो भी उसमें जीन्स थे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के स्टडी करके न्यू कॉम्बिनेशन बनाने का न्यू कॉम्बिनेशन uh, बनाने का उन्होंने फंक्शन किया बेगन विथ टू टाइप्स ऑफ ट्रेल्स बिगेन विथ टू टाइप्स ऑफ ट्रेल्स प्लान मॉर्फोलॉजी एंड होस्ट्रेंच प्रॉपर्टी इन्होंने दो कैरेक्टर्स की स्टडी की एक था प्लाक मॉर्फोलॉजी एंड दूसरा था होस्ट्रेंच प्रॉपर्टी प्लैक मॉर्फोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जब आप क्या करते हैं बैक्टीरिया प्लेट बनाते हैं ठीक है प्लेट बनाते तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है हमको वो ऑयली सर्फेस पर मिलती है और जितना ज़्यादा उस ऑयली सर्फेस का थिकनेस होगा उसे हम कहते हैं प्लैक होस्ट्रेंच प्रॉपर्टी का मतलब फेज कितने जल्दी ठीक है कितने कम समय में होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है और उसके अंदर अपनी लाइटिक साइकिल को कंप्लीट करके न्यू फेजेस का फॉर्मेशन कर सकता है ये होता है होस्ट रेंज प्रॉपर्टी ग्रोथ इन परमिसिव होस्ट ई कोलाई बी ऑल फोर फेजेस टाइप्स ग्रो जब क्या होता है ई कोलाई बी बैक्टीरिया के साथ में जब हम टी फोर के का स्टडी करते हैं तो हमको क्या होता है सारे फोर टाइप के फेज हमको उसमें ग्रो करते हुए दिखाई देते ग्रोथ इन नॉन परमिसिव होस्ट ई कोलाई के ट्वेल लैमडा रेयर आर पॉजिटिव रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो ई कोलाई के ट्वेल्व लैमडा में क्या होता है रेयर आर आर पॉजिटिव रिकॉम्बिनेंट्स का ग्रोथ होता है रेयर बिकॉज द म्यूटेशंस आर क्लोज टू ईच अदर एंड क्रॉस ओवर इज इनफ्रिक्वेंट क्यों होता है क्योंकि ई e. कोलाई के साथ ये जो टी फोर फेज होता है उसका जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है वो बहुत इनफ्रिक्वेंट होता है और म्यूटेशंस के कारण जो जीन्स बनते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास बनते हैं बेंजर ऑल्सो स्टडी थ्री थाउजेंड आटोम्यूटेंट्स सोविंग न्यूक्लियोटाइड डिलीशंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सब डिविजन बेंजर ने क्या किया थ्री थाउजेंड आटोम्यूटेंट्स में किसकी स्टडी किया न्यूक्लियोटाइड डिलीशंस की स्टडी यहाँ पे उन्होंने की, जो, की और इस तरह के जो एनालिसिस था उनका ये जो एनालिसिस था उसके नेस्टेड एनालिसिस कहा गया वॉज एबल टू मैप टू टी फोर टू लेवल इक्विवेलेंट टू थ्री बेस पेयर्स उन्होंने टी फोर बैक्टीरियो फेस जीन मैपिंग की स्टडी उसके थ्री बेस पेयर्स के लेवल तक की अल्टीमेटली डिटरमाइंड आर टू रीजन इज सब डिवाइजल इन टू लेस दैन थ्री थाउजेंड न्यूट्रेंट साइट्स बाई सीरीज ऑफ नैस एनालिसिस एंड कंपेरिजन और उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि आर टू रीजन जो होता है वो थ्री थ्री हंड्रेड से कम टाइम पे उसमें म्यूटेबल साइट्स का फॉर्मेशन होता है और नेस्टेड एनालिसिस के थ्रू उन्होंने ऑल म्यूटेंट साइट्स का कंपेरिजन किया अब यहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है पिक में वो आप देख लेंगे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ई कोलाई सेल्स है ईकोलाई बैक्टीरियल सेल्स में उन्होंने टू म्यूटेंट टू फेस म्यूटेंट को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है आपको दिख रहा है पिंक एंड ब्लू वाला इंट्रोड्यूस किया मतलब बैक्टीरिया के सर्फेस पर जाकर उस फेस को क्या कर दिया छोड़ दिया अब फेस में प्रेजेंट जो भी बैक्टीरियल प्रेजेंट जो भी रिसेप्टर्स होंगे वो स्पेस के लिए एंकर की तरह कार्य करेंगे और फेस जो है अपने टेल रीजन से जाकर वहाँ पर क्या हो जाएगा चिपक जाएगा स्टिक हो जाएगा उसके बाद में धीरे धीरे ये बैक्टीरियल सेल वॉल का लाइसिस करेगा बाई एंजाइम्स एंजाइम लाइसिक एंजाइम और उसके बाद में ये क्या करेगा सेल के अंदर एंटर करेगा एंटर करने के बाद में इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद में जिसमें हमको नंबर ऑफ़ कॉलोनीज ज़्यादा मिलेगी उसमें क्या हुआ म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ और जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ कम मिल रही है उसमें म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ कम हुआ है यहाँ पर आपको पूरा ये डायग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इकोलाइज e. सेल है उसमें आर टू म्यूटेंट फर्स्ट एंड आर टू म्यूटेंट सेकंड को इंट्रोड्यूस कराए इसके बाद में ये अंदर लाइटिक साइकिल में एंटर किया लाइटिक साइकिल में एंटर करने के बाद में यहाँ पे दिख रहा है पेरेंटल टाइप के साथ में उसका जो रिकॉम्बिनेंट टाइप बना हुआ है ये मिल गया फिर इसका अगेन आपने क्या किया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा ऑल फोर फेजेस टाइप कैन इकोलाई बी ठीक है सारे फेज जो प्रोजेनी बने वो इकोलाई बी के साथ में रिकॉम्बिनेंट बनाने में क्या हुए सक्षम हुए कैपेबल थे उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि एक में प्लाक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स पे दिख रहे हैं और एक में प्लाक्स जो है कम नंबर पे दिख रहे हैं एक में जो प्लाक्स का कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहा है और सेकेंड प्लेट में सिर्फ आर पॉजिटिव फेज़ आपको मिल रहा है इस तरह यहाँ पर ये देखेंगे मैप का जो न्यूमारिकल फॉर्म है वो दिया हुआ है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसको बस आप याद रखें इसको एग्ज़ाम में ना लिखें क्योंकि एक भी नंबर अगर आप इधर उधर करते हैं तो आपका जो मैप है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा तो ये आप याद रखें लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो सिर्फ याद रखें इसके बाद है वेंज़स बैंजिस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इसमें यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स एज जीन्स फंक्शनल यूनिट को हम जीन्स भी कहते हैं यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स डिफाइंड बाय अ गिवन सेट ऑफ म्यूटेशन इसमें किसका डिटर्मिनेशन होता है म्यूटेशन के बाद में जो जीन्स बन रहे हैं उन जींस में से ऐसे कितने जीन्स हैं जो कि फंक्शनली एक्टिव जीन्स हैं एंड वैदर टू म्यूटेशन अकर ऑन द सेम यूनिट और डिफरेंट यूनिट और म्यूटेशन जो हैं वो सेम यूनिट पर हो रहे हैं कि डिफरेंट यूनिट हो रहे हैं सेम यूनिट और डिफरेंट यूनिट का मतलब यह हुआ कि अगर डबल स्ट्रेंड जिन स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड जीन स्ट्रक्चर है तो एक ही स्ट्रैंड पर हो रहा है म्यूटेशन कि दो अलग अलग स्ट्रैंड पर हो रहा है म्यूटेशन इफ़ टू म्यूटेंट्स केयरिंग अ म्यूटेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स कॉम्बिन कम टू क्रिएट अ वाइल्ड टाइप फंक्शन टू म्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट अब क्या होता है यदि म्यूटेशन की जो प्रोसेस है वो दो डिफरेंट जीन्स पर हो रही है तो क्या होता है यहाँ पर वाइल्ड टाइप कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है जिससे न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो न्यू कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्पलीमेंट करते हैं और यदि म्यूटेशन जो होता है वो सेम जिन पे सेम जीन सेम जीन स्ट्रक्चर पे हो रहा है सेम जीन इफ़ न्यू म्यूटेंट्स केयरिंग अ म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन यदि सेम जिन पर म्यूटेशन हो रहा है क्रिएट अवटेंट फिनोटाइप जो कि क्या करता है जो बनने वाला प्रोजैनी होता है उसका फिनोटाइप सिर्फ चेंज होता है ये एक दूसरे को ना ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ना ही कोई न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है म्यूटेशन डू नॉट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देखो सिस्टम्स कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का पूरा डाइग्राम दिया हुआ है फर्स्ट में देखो ये कॉम्प्लीमेंटेशन है सेकेंड में नो no कॉम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर देखो ब्लू एंड पिंक <laughs> दो आपको जीन स्ट्रैंड दिख रहा है तो यहाँ पे म्यूटेशन म्यूटेशन uh, का फर्स्ट पॉइंट पिंक में है और सेकेंड वाले स्ट्रैंड में ब्लू में है मतलब दो डिफरेंट जिन सीक्वेंस में यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है जिसके कारण जो भी न्यू हमारा प्लाक का फॉर्मेशन होता है वो न्यू कॉम्बिनेशन का प्लाक बनता है जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं जबकि जहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर देखो कि फर्स्ट स्ट्रैंड के भी पिंक वाले में हो रहा है म्यूटेशन एंड सेकेंड स्ट्रैंड के भी पिंक वाले स्ट्रैंड में हो रहा है म्यूटेशन और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन जो हमारा न्यू बैक्टीरियल लॉन बन रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई न्यू रिकॉम्बिनेशन या प्लाक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर आपका मैपिंग ऑफ बैक्टीरियो फेस जो है वो कंप्लीट होता है